हेलो एवरीवन, आज है मेरा डे टू उत्तराखंड ट्रिप का। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 6 o'clock। अभी मैं जा रहा हूँ, गाड़ी हमारी आ चुकी है जिप्सी, जिससे हमें जाना है सफारी के लिए आज। तो कुछ करते हैं रूम को लॉक पहले। रूम लॉक हो चुका है और अभी देख सकते हो भाई, ठंड हो गई है सुबह तो यहाँ पर शिकायत। सो गाइस, अभी निकल चुके हम सफारी के लिए। ऐसी है कुछ अपनी सफारी की होटल बता, वो तो बता दिया कब का टाइम हो गया, 6:30 हो गए ना। लोगों को सफारी कराते हैं, पहली बार सफारी कर रहे हैं क्यों सर? अब सामने क्या मस्त व्यू आ रहा है, वीडियो बना, वीडियो ना चलो सही बात है, पकड़ के बैठो भैया, भाई साहब खतरनाक हवा लग रही है। देख सकते हो ये हमारे पार्टनर लोग हैं, जॉन पॉल सर, कालरा भाई और ये है दीपक चौधरी भाई। ये आवाज नहीं निकल रही हमारी, आवाज मिट गई है 2 मिनट में, इतनी खतरनाक आवाज लग रही है। और ये देख सकते हो, जब गाड़ी चली नहीं थी तो ये तीनों लोग टायर बन रहे थे और अभी वो अंदर अंदर दे देंगे बैठे हुए। तो ये कोई डैम आ गया है, अभी 8-10 किलोमीटर रह गया है जिम कॉर्बेट पार्क, जहाँ से एंट्री होती है अभी अपनी, और 6:30 हो चुके हैं। कौन सा विजरानी गेट से जाएंगे हम लोग। अबे जिम कॉर्बेट पार्क निकिस अभी 3 ही किलोमीटर आया अभी तक क्या? तो गेट तो गाइज ये गेट अपना, जहाँ से हम लोगों को एंट्री करनी है। और ये देख सकते हो सामने सब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर अपने लोग पहुँच चुके हैं काफ़ी सारे, जितने भी लोग मॉर्निंग सफारी के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आगे गाड़ी रुक जाती है एक, अभी वहाँ से आने के बाद 24 किलोमीटर था हमारे प्रॉपर्टीज है जो गेट है, इसका गेट का नाम है आम डंडा गेट, बिजनौरी रेंज कॉर्बेट टाइगर पार्क। बाकी यहाँ पर सारी गाड़ी आके यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं, जितनी भी जिप्सी होती हैं सफारी के लिए, मॉर्निंग सफारी के लिए। तो अभी आगे सब खड़े हुए हैं यहाँ पर, अभी अपनी एक गाड़ी पीछे खड़ी है, बाकी दो गाड़ी अपनी आगे खड़ी है। तो अभी जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं जाकर, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एंट्री वगैरह करानी पड़ती है, वो ड्राइवर एंट्री कराएगा खुद, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो भाई देख सकते हो भाई, सफारी स्टार्ट हो चुकी है और मॉर्निंग में एक मोर दिख चुका है हमारे को ये रहा, बाकी ये पूरा जंगल है। अभी दिखाते हैं आपको टाइगर मिलता है नहीं मिलता है यहाँ पर हमारे को, वैसे तो रेयर ही देखने को मिलता है रेयर केस में, पर देखते हैं हमारे को मिलता नहीं मिलता है। यहाँ पे बारिश का पानी, जब बारिश होती है तो पानी यहाँ पर भर जाता है। अभी तो फिलहाल कम है तो इससे होकर जाना पड़ता है। लद्दाख की वाटर क्रॉसिंग जी है तो यहाँ पे काफी सारे हिरण है। हिरण का पूरा ग्रुप है छोटा सा, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं इसमें, बड़े बूढ़े भी हैं छोटे बच्चे भी हैं। अब दिन निकल चुका है भाई, 7:10 हो चुकी है। 5 किलोमीटर अंदर आने के बाद एंट्री करने के बाद
थोड़ा अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट का एरिया आ गया, मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट वाले लोग रहते हैं जितने भी हैं जो लोकल हैं यहाँ के, और इन्होंने चारों तरफ एक ऐसे करके ऐसे वायर लगाए हुए, देख सकते हो ये जो वायर दिख रहे होंगे आपको, ये वायर जो है इसमें करंट दौड़ता है, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी रहे ताकि। बाकी यहाँ पर एक हाथी भी दिखाया मुझे, देख सकते हो डांस कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बहुत देर से ऐसी है ये डांस ही कर रहा है वैसे तो ये शायद। तो अभी चाय पानी पी के निकल चुके हैं यहाँ से और अभी सब लोग चिल्लाने लगे तो भाई साहब बोल रहे ड्राइवर साहब की आवाज नहीं करनी बिल्कुल भी, वरना टैगर निकल जाएगा अपने बिल से। अगर कार्ड में जाए तो चू मत करना। हाँ चू नहीं करनी है बिल्कुल भी, टैग कुछ भी कर ले वो। अभी सूरज देवता निकल चुके हैं पूरे फुल फॉर्म में एकदम, तो थोड़ा सा सुकून सा मिल रहा है चाय पी के लिए। और आगे देख सकते हो गाड़ियाँ जा रही है इतनी सारी, तो बाकी सारी गाड़ी पीछे खड़ी अभी, वहाँ पे कुछ दिख रहा है शायद, कुछ दिख रहा है शायद ये खड़े हुए कुछ तो है इधर, क्या है? अरे हिरण है यार, हिरण तो यार बहुत सारी दिख गई हमें, देख जो दिखे हिरण तो बहुत सारी दिख गई है यार, टाइगर दिख जाए तो मजा आ जाए। तो यहाँ पर आप देखो ये दो फॉक्स दिखे हैं, यहाँ पर छोटा सा ज़ूम करके दिखाना पड़ेगा यार, ये रहा फॉक्स एक, ये रहा, ये बहुत तेज भाग कर रहे हैं दोनों भी, ये जा रहा लोमड़ी। हिरन तो भर भर के भाई, ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि 50 से 60 हज़ार हिरन टोटल इस इसमें पार्क में कॉर्बेट में। टाइगर कितने हैं? 2-3 है टाइगर, कितने हैं? 120 लेपर्ड है और 250 टाइगर है भैया, टाइगर 250 में से एक तो दिख जाए कम से कम बस। कल शाम को स्पॉट किया था एक टाइगर, कल शाम को लेटेस्ट देखा गया है टाइगर को, बिजरानी गेट के पास, ये देख सकते हो कितनी पास है। गजल अलग रहता ना, तो यहाँ पर ड्राइवर साहब बता रहे हैं यहाँ के ये टाइगर के मार के हैं। तो पता लगा कि अपनी एक दूसरी गाड़ी थी उसमें पंचर हो गया, पर चेक करा तो उसमें हवा कम है, तो मैंने क्या बसड़ हो जाती यहीं पर, अभी यही टाइगर नाश्ता बना लेता हम सबका आज। टाइगर तो नहीं दिखा है पर ये लंगूर साहब दिख गया है, कहाँ ये रहे ऊपर पेट में पेड़ पौधे गिरा रहे ऊपर से डराने के लिए और वो टाइगर करके गाइस टाइगर दिखाया अभी हमें, अभी दिखाता हूँ कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया, पर नहीं दिख रहा कहाँ पर है भैया, कौन से पेड़ के पीछे है? उजारो दिखे देखो ये जो लंबा सा पेड़ है ना इसके पीछे देखो वो हिली गाइस देखो टाइगर दिख रहा होगा,
वो टाइगर जा रहा है चुपचाप से निकल रहा है एकदम वहां से। वो देखो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, देख सकते हो, ये देख सकते हो आप। गाइस मैं भी दिखाता हूँ आपको थोड़ा ऊपर चढ़ के, अभी पैसा वैसे हो गए नीचे बैठ भाई, बैठ जाओ। हाँ भाई आ रहा है शायद बाहर को, नीचे बैठ जाओ। और बाहर आ रहा, बाहर आ रहा, बाहर आ रहा, वो गाड़ी वाला आ रहा है, उसको रुकवा दो भाई। रुक जा, अबे रुक जा, अबे रुक जा, अबे रुक जा, अबे भाई रुक जा, आ जा खींच के आ जा। अबे यार तो भगवा दे भाई, अबे आराम से आ यार, रुक जा, वहीं रुक जाता हूँ भाई। अरे रुक जा, इधर पार हो रहा है। अरे अच्छा भी मिलेगा, पर रिस्क भी तो है उनके पास ज्यादा। चुपचाप चला गया, तो कहीं मरने लग रहा है। थोड़ा और आगे लो, थोड़ा और आगे लो, और लो, और लो, और लो। गाइस देखो ये रहा टाइगर, एकदम सामने। गाइस देखो टाइगर, चुप चुप, अरे चुप हो जा, चुप चुप। गाइस देखो ये टाइगर, इधर देख, ये जा रहा, ये जा रहा है टाइगर उधर। अब तो निकल गया यार, ये देखने नहीं देंगे प्यार से, पास से नहीं देखने देंगे लग रहा है ये। कभी इधर कर रहे हैं बेचारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, वो यही घूम रहा है बहुत देर से, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका है वो यहीं पर। अब नहीं आएगा वो, अब नहीं आएगा ये। अपने ये आ चुके हैं हम अपने होटल वापस सफारी करके। गाइस ये अपना कुछ प्रॉपर्टी, रात को मैं दिखा नहीं पाया कुछ आपको। ये अपने प्रॉपर्टी का होटल का नाम, जहां हम कल स्टे करा था हमने, द ग्रीन रिट्रीट रिजॉर्ट कॉर्बेट। बाकी सफारी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। थोड़ा ये देख सकते हो सारे रूम्स है यहाँ पर, इस टाइप से कुछ रूम्स हैं यहाँ पर। ये पूरा लॉन है यहाँ पर, पूरी पार्टी, कोई भी छोटा मोटा इवेंट, कुछ भी कॉरपोरेट इवेंट सब करा सकते हैं यहाँ पर। बाकी इसके अंदर रेस्टोरेंट है अपना, जहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह रहेगा, तो पहले जाएंगे रूम में, फिर फ्रेशन अप होके फिर करेंगे ब्रेकफास्ट।
सो गाइस अभी हम होटल से चेकआउट करके निकल चुके हैं नौकुचिया ताल के लिए सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझ जाना क्या जा रहे हैं। नैनीताल के पास ही है, ये भी एक ताल है जहाँ पर हमारा आज का स्टे है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट एग्जैक्ट हो रहा है 10:10 और अभी हम पहुंच चुके हैं नौकुचिया ताल जहां पर हमारा आज का स्टे है। और ये है हमारा कुछ प्रॉपर्टी जहां पर आज स्टे करने वाले हैं। प्रॉपर्टी का नाम है द पियर ऑर्किड बाय कंट्री साइड। पर आ चुके हैं हम, काफ़ी लगेज लाने में टाइम लग रहा था तो हम खुद ही लेके जा रहे हैं ऊपर तक। और हमारा जो रूम है एकदम ऊपर है, रूम नंबर 109 जो कि एकदम टॉप पर है। तो गाइस आ चुका है अपना कुछ ऐसा कुछ अपना कॉटेज है ये, बाकी सामान में ले आया हूँ अंदर। सो अपना कुछ रूम का टूर कराता हूँ। ये एंट्री करने के बाद एक स्मॉल बेड यहाँ पर है, क्वीन बेड, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। और ये है वॉशरूम अपना, बाकी ये हूँ मैं जो कि हालत टाइट हो चुकी है। और एक बेड है इधर अपना। अरे इधर को कुछ है तो खुल जा भाई, कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा हो चुका है। सुबह को दिखाएंगे आपको व्यू, बाकी आपकी करते हैं थोड़ा रेस्ट, फ्रेशन अप होते हैं, फिर करते हैं ब्रेक डिनर। और डिनर करने के बाद आपको करते हैं इसको ब्लॉग को यहीं पर एंड, बाकी मिलते हैं आपसे आने वाले ब्लॉग में, कल के एपिसोड में। कल आपको दिखाएंगे नैनीताल के साइट सीइंग, बाकी ऐसा है कुछ यहाँ से व्यू नौकुचिया ताल का, हम मॉर्निंग में दिखाएंगे, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा अंधेरे में। ओके टाटा बाय बाय गुड नाइट।